कोई भी चीज को मापते हैं, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी का वजन या ताप, कोई वस्तु कोई भी वस्तु या कोई चीज कितनी ठंडी या गर्म है तो ताप नापते हैं, तो इस सब चीज को मापन बोलते हैं। तो जीवन में माप जो बहुत आवश्यक है ना, बिना मापन के तो हम दैनिक जीवन का कोई काम कर ही नहीं सकते। आप लोग मापन के विभिन्न उपकरणों के बारे में जाने जो कहाँ कहाँ होता है ये भी जान गए। अब हम एक्टिविटी दो करेंगे। अलग है ना, तो हमको कौन सा तराजू उपयोग करना ये देखना है। लंबाई नापने के लिए हमारे पास अभी तीन प्रकार के स्केल और दो प्रकार के टेप हैं। तो मैं आपको क्या नापने दे रही ये देखना है। ये भी एक नापक है। तो पानी को मैं अगर नापने को बोलूंगी या दवाई को या दूध को या तेल को, तो गीली चीज के लिए उपयोग होना, तब आप उतनी लगाओगे कि आप तराजू में पानी तौलोगे किस में, ठीक है। तो ये आप शुद्ध करोगे। अभी मैं टास्क लिखूंगी आपको। ये दुपट्टा में लाई, दुपट्टा को भी मैं नापने बोलूंगी, तो कैसे नापोगे दुपट्टा, क्या उपयोग करोगे, ठीक है। दुपट्टा का टुकड़ा है तो बुद्धि लगाओगे क्या उपयोग करना है। ऐसे ये किताब है, इसकी लंबाई चौड़ाई नापने को बोलूंगी तो क्या उपयोग करोगे, ये भी आप लोग को सोचना है। तो अब हम तरह तरह के मापक यंत्रों को जानने के बाद उनका दैनिक उपयोग देखेंगे। मैं यहाँ टास्क लिख रही हूँ, ठीक है। गतिविधि है, इसमें मैंने क्या लिखा है, बहुत सारी एक्टिविटी और भी लिख सकते हैं। उसको किस उपकरण से नापोगे, ठीक है। मापक के उपकरण आप लोग जान गए, सबके नाम जान गए, पहचान गए। अब उसका दैनिक जीवन में उपयोग देखना कि आप लोग कर पाते हो कि नहीं। दुकान जाओगे, मार्केट जाओगे या खुद कोई व्यवसाय करोगे तो किससे नापोगे। तो पहले 50 मिलीलीटर वाटर, पानी को तौलना है भाई। ये हमारे पास पानी है, कौन सा उपकरण उपयोग करोगी देखो। इसमें से 50 मिलीलीटर पानी, वेरी गुड। चलो नापो, कैसे नापोगे इसमें देखो कहाँ तक आएगा पानी डालो। हम लोग थोड़ा कलर डाल देते ना तो बहुत अच्छा दिखता। 50 ml, देखते हैं ये सही कर रही कि नहीं, कहाँ तक आएगा देखना। नंबर देखो कहाँ तक पहुंच गया। हाँ करो, ठीक करो पहले, कितना होगा पढ़ो, कहाँ तक पहुंच गया पानी। हाँ तो 50 करो उसको, देखो पूरा 50 ml वाटर। कलर ले लाते ना हम तो बहुत अच्छे से तुम लोग को सबको दिखता। तो ये तराजू में तौलते क्या हम पानी, कटोरा भर के ना, ये मापक सिलेंडर द्रव है, दूध है, तेल है, दवाई है, गीली वाली, इससे नापते। वेरी गुड, चलो बैठो। दूसरा टास्क, एक आलू का वजन है ना। अब देखते हैं एक आलू को तौलना, इसको किसमें तौलेंगे। ऑन करो पहले इसको, देखो बेटा दिख रहा कितना ग्राम है। एक आलू कितना है, 36 ग्राम का। देखो अब इस तराजू में क्या हम इतना एक्यूरेट से तौल पाते हैं एक आलू ना। तो इसने बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कांटा, बहुत अच्छे से हम इसमें छोटा से छोटा एक छोटा कंकड़ भी हम इसमें तौल सकते हैं ना। वेरी गुड, चलो बैठो। 150 ग्राम सब्जी, हमारे पास ज्यादा सब्जी नहीं है, ये वाली सब्जी 150 ग्राम। चलो कौन तौलेगा, आप किसमें तौलेंगे। हाँ जल्दी जल्दी आप, 150 ग्राम तौलना है ना भाई, या ये सब्जी कितना है देखना। चलो किसमें तौलोगी देखो, यूज करो कौन सा चीज यूज करोगी, डालो बांट निकालो। देखो बांट डालो, कौन सा बांट आएगा। हाँ ये 100 ग्राम का, देखो हो रहा है क्या 100 ग्राम सब्जी हमारी। ज्यादा अच्छे से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो सब्जी ज्यादा भी और बांट लगेगा। लगभग आ रहा है, चलो इसमें करो इसमें, इसको यूज करते हैं। देखो कितना आ रहा, पढ़ो सामने से कितने ग्राम निकला, आके देखो बेटा पास में कितना निकला बताओ। 1 ग्राम उसको बताओ, 162 दिख रहा है बेटा, यहाँ सामने से मोबाइल में देखो दिख रहा है, 162 है ना। 150 से ज्यादा था, तराजू में सही नहीं आ रहा था ना, साइड हो
तो हम इसमें तौले, और ज्यादा तौलेंगे तो क्या करेंगे, पन्नी में रख लेंगे, फिर रखेंगे या कोई प्लेट रख लेंगे, है ना, तसला जो होता है, फिर तौलेंगे, उस तसले का वजन नोट कर लेंगे। थोड़ा इससे बड़ा दुकानों में रहता है ना सब्जी वाले के पास, पन्नी में रख के तौलते, किराना की दुकान में, तो इस तरीके से कर सकते। वेरी गुड, बैठो। दुपट्टे की लंबाई कौन करेगा, दुपट्टे की लंबाई आओ जल्दी, दुपट्टा किससे नापोगे, देखो ये दुपट्टा, क्या क्या यूज करोगे इससे, किससे नापोगे, क्या बोलते हैं इस उपकरण को, इंची टेप, इंची टेप से दुपट्टा की नापेंगे ना लंबाई, चलो नापो, यहां तक ऐसे नापो, ऐसे पकड़ो, कितना आया देखो, हाँ 103, कितना आया 103 सेंटीमीटर, कितना लंबा है ये 103, लंबा या चौड़ा जो भी बोलो 103 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो क्या हम इसको स्केल से अच्छे से नाप सकते थे क्या, नहीं, स्केल से हमको दिक्कत होती है ना, ये देखो यहाँ से कितना है, ये देखो अच्छे से 109 है ना, 109 सेंटीमीटर लंबा और 103 सेंटीमीटर चौड़ा, तो दुपट्टे को किससे करना है, इंची टेप। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे इस बोर्ड को नापना है या इस जमीन को नापना है तो कौन सा इंची टेप यूज करोगी, बताओ, टेप है ना, ये वाला टेप क्या होता है, पूरा सीधे निकल जाता है, और ये क्या होता है, सीधे इसको हम वहां से पकड़ के सीधे सीधे, चलो पकड़ो बोर्ड भी, बोर्ड को ही करते हैं, ये और अच्छा वाला भी आता है ना, ये देखो और आराम से इसको नाप सकते हैं, मिस्त्री लोग पढ़ाई लोग कुछ भी बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इस तरीके का भी ये अच्छा से एकदम कड़ा रहता है, ये आराम से इसके अंदर चला जाता है, समझ गए, तो इंची टेप भी तरह तरह की आती है, जान गए तुम लोग, तो इस चीज को किससे नापना है ध्यान रखना, वेरी गुड, बैठो। चौड़ाई चलो आप कौन नापेगा, ये हमारे पास बुक है, ठीक है, थोड़ी बड़ी बुक है, किताब थोड़ी छोटी होती, किससे नापोगे, देखो इस तरफ आओ, देखो बताओ, ये बुक को किससे नापोगे, हाँ इसके, चलो देखो थोड़ा पास में ले आना है, यहाँ तक है ना 15, फिर और रखो, आप कितना हो गया 15.5 है ना, 19.5 सेंटीमीटर चौड़ा लंबा नापो, हम इससे नाप सकते हैं क्या, नहीं, बुक को इससे नहीं नाप सकते, इससे नापो, इससे आसा, इसके एक छोटी इससे नापो, कितना है पढ़ो, 29 सेंटीमीटर की कॉपी लंबी, चौड़ाई देखो ना लगभग 20 है ना, 20 सेंटीमीटर ये बुक है जो 20 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी बोल दो, और 29 सेंटीमीटर लंबी है कॉपी, तो अगर हमारे पास लंबी स्केल होती तो हम बहुत अच्छे से नापते हैं ना, ये थोड़ी बड़ी है स्केल छोटी, तो हम इंची टेप का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे इस बोर्ड को भी हम इस इंची टेप से नाप सकते हैं, ये फोटो फ्रेम में नाप सकते हैं, खिड़की नाप सकते हैं, ये हमारा बिजली का बोर्ड उसको नाप सकते हैं, ठीक है, तो हम इस तरीके से ऐसी चीजों को इंची टेप से नापेंगे, वेरी गुड, बैठो, ये पानी हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका, अगर एकदम खोलती दाल और एकदम खोलता पानी रहे या खोलता दूध या खोलती चाय तो किससे नापोगे, कौन आके बताएगा, ये 3 थर्मामीटर है, कौन सा थर्मामीटर लगाओगे बताओ, इस तरीके की खोलती चीजों को किस प्रकार के थर्मामीटर से नापते हैं, थर्मामीटर से ताप नापते हैं ना, कितना गर्म है पानी देखना, तो कौन सा था, वेरी गुड, चलो खोलो इसको डालो, है ना, ये देखते हैं लाल कलर का इसमें ये पारा, ये चलो डुबो, देखते हैं कितना गर्म आता है ना, लाइन चढ़ेगी 20, देखो कितना रहा, 35, 30 और 40 के बीच है ना लाइन, दिख रही है, दिख रही है लाइन, यस मैम, है ना, तो पानी कितना गर्म है, 35 डिग्री, कितना गर्म है पानी, 35, बहुत देर से हम इसको रख रखे तो थोड़ा ठंडा हो गया, अगर एकदम खोलता रहे तो एकदम गर्म, चलो ये आके बताएं कि हमारा खोलता पानी है, इसको कौन सा थर्मामीटर उपयोग करके करेगी, चलो करो, कितना आया पढ़ो, बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, अच्छा ठीक है बढ़ने दो, बढ़
80 लगभग हो जाएगी, है ना, 80 डिग्री। दो चार लोग आके देख लो यहाँ पे, खोलते पानी का तार। अगर हम इस थर्मामीटर को डालेंगे ना तो थर्मामीटर खराब हो जाएगा। प्रयोगशाला थर्मामीटर है ये, बहुत ऊंचा तक ताप ले लेता है ना, 100 डिग्री तक, पूरा लिखा है, और टूटता नहीं। डॉक्टरी थर्मामीटर 100 डिग्री तक का टेम्परेचर नहीं लेता, वो फारेनहाइट में बताता है, 104 डिग्री फारेनहाइट तक का लेता है ना। ये देखो सबको दिख रहा है, बाहर निकालती है, थोड़ा कम हो गया, फिर से पानी में डालो। ये देखो चढ़ रहा है लाल लाइन, ये देखो चढ़ रही है, अब देखो उतर रहा है ना, अब उतर रहा, फिर डाल दो। कितना है एक लोग शरीर का ताप, चलो एक बच्ची अंजू है, इसके शरीर का ताप कौन नापेगा? क्या उपयोग करेंगे, कौन सा थर्मामीटर इससे नापेंगे, क्या कौन सी चीज से नापेंगे? देखो आप दामिनी बताओ किससे नापेंगे अंजू के शरीर का ताप, कौन सा थर्मामीटर उपयोग करेंगे? देखो ये सब रखा हुआ, देखो कौन सा, ये तो यूज होगा ना, इसको रख देते हैं। हाँ चलो निकालो इसको, अंदर से निकालो। ये है डॉक्टरी थर्मामीटर, क्या है ये? डॉक्टरी थर्मामीटर। किसी व्यक्ति के शरीर का ताप इसी थर्मामीटर से देखते हैं। तो देखो इसको धोल लिए हैं और झटका के हमने उतार लिया, इसके जीभ में रखेंगे तो इसका ताप, जीभ के ऐसे करो, जीभ ऊपर, हाँ इसके नीचे, हाँ दबा लो जीभ को, हाँ। अब हम कुछ समय देख के फिर इसका टेम्परेचर देखेंगे, ठीक है? इसको भी पढ़ना आना चाहिए। इस थर्मामीटर में पारा भरा है, शांत होके सुनो, क्या भरा है? पारा एक धातु है और द्रव अवस्था में रहती है। आप थर्मामीटर में पारे का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि चमकता है, चढ़ता है, टेम्परेचर का मतलब ताप का सूचालक है ना, बहुत जल्दी चढ़ता है, और सबसे बड़ी विशेषता है चिपकता नहीं। तुम लोग शहद को, द्रव को देखिए, दूध को जमीन में बहता तो चिपकते हुए बहता है, yes, ma'am। ये पारा जमीन में या कहीं भी रहता है ना तो चिपकता नहीं, छोड़ के ऐसे छोड़ के चढ़ता, भी देखना बहुत कम में था। इसके शरीर का टेम्परेचर जहाँ तक होगा ना, पारा चमकती लाइन से चढ़ेगा, चिपकता नहीं दीवार से, कांच का बना है थर्मामीटर, चिपकता नहीं, ठीक है? इसीलिए पारे का उपयोग करते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। एक ये भी है, ये इसको बस ऐसे रखते हैं और यहाँ पे लिखा जाए, ये सिर्फ मैं दिखाने को लाई, डिजिटल थर्मामीटर ना, डिजिट साथ ही, इसको ऐसे जीभ के नीचे ऐसे यहाँ नहीं रखना पड़ेगा, ये बस छुआ इसमें आ जाता है, ये बहुत सेफ है, रखो और आ जाता है। देखते हैं कितना आया थर्मामीटर में ताप। तुम लोग को इसको पढ़ना भी मैं सिखाऊंगी ना। इसका टेम्परेचर आ रहा है 97, ये देखो दिख रहा है, चमकती लाइन 97, देखो तुमको दिख रहा है, ये 96, ये 98 भी 97, दिख रहा है, इधर आओ, इसमें देखो तुमको दिख रहा है कि नीचे चमकती लाइन, यस मैम, दिख रहा है, ये 97, 98 और 96 के बीच, तो इसका टेम्परेचर 97 डिग्री कम है ना, कम है अभी 97, 98.4, 98.6 जो होता है ना वो, और या 37 डिग्री, अभी इसका टेम्परेचर डिग्री में 36 डिग्री, दिख रहा है 36 पे लाइन। हमारे शरीर का आदर्श ताप है ना, स्टैंडर्ड आदर्श इतना होना चाहिए, इसका भी कम है, 36 डिग्री आ रहा है इसका टेम्परेचर, और फारेनहाइट में 97 डिग्री फारेनहाइट। ये भी मैं डिटेल में बताऊंगी दोनों में अंतर क्या। चलो बैठो, अब है अगला प्रयोग में लगने वाला समय। चलो प्रयोग में लगने वाला समय, हम कितनी देर से प्रयोग कर रहे हैं, किसमें नापोगे भाई बताओ, कौन सी घड़ी से नापोगे समय को? इस घड़ी से नाप पाएंगे क्या कितना समय लगा? कौन सी घड़ी होती है इसके लिए उपयोग? स्टॉपवॉच। घड़ी आती है मोबाइल में रहती है, आजकल मोबाइल में रहती है, मोबाइल से वीडियो बन रहा है इसलिए नहीं बता सकते, फिक्स कर दो फिर देखते हैं प्रयोग में कितना समय लगा, या 100 मीटर की दौड़ हो रही तो कितने सेकंड में कौन व्यक्ति दौड़ा, तो स्टॉपवॉच से पता चलता है। 1 मिनट गेम जानते हैं, बहुत देखते हो ना, 1 मिनट में कौन कितना चावल बिन ले रहा है, कितना आलू बांट ले रहा है, कितना कांच का कप के ऊपर एक जमा पा रहा है, तो स्टॉप वॉच में 1 मिनट का टाइम सेट कर दीजिए, जैसे आप होता है कैंडिडेट बाहर और गिनते हो कितना किया 1 मिनट, तो ये सारा समय किसमें कैलकुलेट होता है भाई? स्टॉप वॉच में।
अब मैं तुम लोग को बताती ये वाला जो है आलू प्याज जिसको हमने इसमें भी नापा इसमें भी हम इसको स्प्रिंग तुला में भी नाप सकते हैं। स्प्रिंग तुला में कैसे नापेंगे देखो ये स्प्रिंग है इसमें फंसा है तो स्प्रिंग तुला में भी हम इस तरीके की चीजों को नाप सकते हैं। तो तरह तरह के उपकरण आप लोग जान गए आज है ना। अब जैसे हमारे पास चावल है हमको इसको तौलना है तो हम इसमें भी तौल सकते हैं और कांटा में भी तराजू में भी तौल सकते हैं। लगी एक्टिविटी समझ में आई? आप लोग कपड़े की दुकान जाओ चाहे सोनार की दुकान जाओ चाहे पंसारी की दुकान जाओ चाहे सब्जी वाले के पास जाओ चाहे सब्जी के दूध वाले के पास जाओ जान जाओगे कौन से तराजू में कैसे तौलना है। व्यापार करो बड़े होके कोई व्यवसाय करो तो सुन सकते हो ना। ठीक है थैंक यू।